राम, सीताराम। ये जो बच्ची आई है, ज्योत यहां रख दो। ज्योत लेकर के ये जो बच्ची आई है, कहां से पैदल चलकर आई बेटा? फिरोजाबाद से पैदल चलकर के आई है। धन्यवाद। और हम तो अभी आते समय मिले, इसका पैर का देखो कितना तेज बड़ा घाव बन गया, हम तो दिख करके चौंक गए। ऐसे करो बेटा, नहीं नहीं ये वाला करो, पूरा पक गया पैर चलते चलते ना, पर बहुत अद्भुत निष्ठा है बच्ची की बालाजी के प्रति। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं, जैसी है तपश्चर्या करके आई है, इसके परिवार वाले चूंकि उनकी निष्ठा तो है पर यह अध्यात्म मार्ग में जाना चाहती हैं। हम बहन, वाह बहुत अच्छा, हम बहन के परिवार वालों से कहेंगे कि इसकी मदद करो, इसे अध्यात्म मार्ग में रहने दो, हमसे जितनी सामर्थ्यता अनुसार मदद बनेगी हम यहीं से अपनी बहन होने के नाते बेटी की बहना की मदद करेंगे। और एक बार आप लोग दोनों हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद दो कि ये अध्यात्म सनातन का काम करना चाहती है, ये उन बेटियों के लिए मिसाल बनना चाहती है जो कहते थे कि बेटियां कुछ नहीं करना कर सकती हैं। इस बिटिया ने वो करके बताया कि केवल पुरुष ही पैदल नहीं चल सकते हैं, इतनी लंबी पैदल यात्रा बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। कुछ बोलना है तुम्हें, खड़े होके बोल दो, दो मिनट फिर हम दरबार शुरू करेंगे। गुरुजी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं अपने यहाँ पे आपको एक राम कथा करना चाहनी थी, मैं आपके लिए भीख मांगू हाथ झोली पसार के, पर मैं आपकी एक कथा करवाना चाहती हूँ अपने देश में, क्योंकि ये भारत देश किसका है? वो जिला में, अपने फिरोजाबाद जिला में, क्योंकि उधर इतना अत्याचार मचा है, राम को नहीं पहचानते हैं। मैं एक खड़ी हूँ अपने मंदिर पे, तो कुछ भी बोलने चाहते हैं बोलते जाते हैं। नाम ही फिरोजाबाद है। हम पर छोड़ो बहना, तो मैं ना भीख मांगनी है ना किसी के यहाँ जाना है, हनुमान जी लीला करेंगे, कोई ना कोई आएगा, हम कथा सुनाएंगे। ये और कहते हैं कि उस पे भूत है। कोई भूत भूत नहीं है, तुम चिंता ना करो, हम पे छोड़ो, तुम्हारे पास कोई भूत प्रेत नहीं है, और हम एन कैन प्रकारण कथा सुनाने आएंगे। ठीक, आशीर्वाद। चलो जय सियाराम। छोटे वाले एक आध बार लेता ही हो, बहुत आशीर्वाद। ये रामेश्वरम से पंडित जी पुजारी जी आए हैं, जो सामने बैठे हैं सफेद धोती वाले, उन्होंने हमें दी थी ये बहना, हम तुमको डाल रहे हैं। रामेश्वरम महादेव का प्रसाद है, बिल्कुल रामेश्वर भगवान का प्रसाद बागेश्वर धाम पे मिला। जाओ, जाओ।